जिंदगी में जो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए आपको कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ करना है अपने भीतर ही करना है, अपने भीतर ही कुछ परिवर्तन करना है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है, आपको अपने आंतरिक तल पर आपको कुछ काम करना है। उस आंतरिक तल पर जो आप काम करते हैं वही जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताओं के रूप में व्यक्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी है अपने भीतर परिवर्तन करने के संबंध में, हमेशा शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करें। आई कैन डू, आई विल डू, मैं कर सकता हूँ और मैं कर दिखाऊंगा। आई कैन गेट, आई विल गेट, आई विल विन, ये शक्तिशाली शब्द है। और हमारी अवस्था बिल्कुल उल्टी है, हम जिंदगी में मरे मराए मुरझाए रोते हुए जीते। क्या बताएं, बड़ा दुख है, कोई काम ही नहीं बन रहा है, सारे काम बिगड़ जाते हैं, दिनों रात शिकायत से भरे रहते हो, ये कमजोरी। तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, कितने लोग मुझसे कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए दे दी, कोई बच्चा मुझे प्यार नहीं करता। अब तुम 24 घंटा जिस भाव से भरे हो वही होगा तुम्हारी जिंदगी में, कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी की समस्या पैदा कर रहा है। कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? अरे मैं कहता हूँ आप बोलना शुरू करो, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते। स्टार्ट स्पीकिंग, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इट होल हार्टेडली, वो ना भी कर रहे होंगे वो करने लगेंगे, ये मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। वो ना कर रहे होंगे तो भी करने लगेंगे, और अगर आप शिकायत करना शुरू कर दोगे तो वो आपको प्रेम करते होंगे तो भी प्रेम करना बंद कर देंगे धीरे 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 धीरे। जो चाहते हो कि ऐसा हो उसी प्रकार के शब्दों को बोलो, उसी प्रकार के वचन बोलो और उसी तरह के भाव व्यक्त करो। लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, यानी जो चीज़ दिखाई पड़े उसी पे विश्वास हो सकता है। अरे अगला प्रेम करे तब तो हम कहें कि हाँ प्रेम कर रहा है, प्रेम तो दिखाई नहीं पड़ता तो कैसे कहें। मैंने इसका उल्टा देखा है करके, अगर आप विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बच्चे हैं हमें कैसे प्रेम नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे, मेरी पत्नी है मुझे नहीं करेगी तो किसे प्रेम करेगी, सारी जिंदगी सब कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूँ, वो किसको करेगी ही करेगी मेरे को प्रेम, ऐसा भाव रखो। वो ना भी करने वाली होगी तो आप ही को प्रेम करेगी, किसी दूसरे को कभी प्रेम कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती कभी। आप जो अपेक्षा करते हैं, जो भरोसा करते हैं, वैसा होना अस्तित्व की मजबूरी हो जाती है। जो आप मानने लगते हैं वो साकार होने लगता है, ये बहुत ही सीधा सादा नियम है। और आज मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान कहता है कि जो शब्द आप बोलते रहते हैं निरंतर, उसी प्रकार उन्हीं शब्दों के अनुसार आपका मस्तिष्क, आपके भाव, आपके विचार निर्मित हो जाते हैं। इसीलिए आज एक बड़ी वैज्ञानिक परंपरा शुरू हो गई है कि जैसा चाहते हो कि हो वैसे ही शब्दों का, वैसे ही वचनों का, वैसे ही कथनों का बार बार उच्चारण करना शुरू करो, उन्हें बोलना शुरू करो। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रसन्न रहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उत्साह से भरा रहूं, तो आप प्रातःकाल सो के उठ के एक वाक्य अगर बोलना शुरू करो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं और मैं उत्साह से भरा हूं, आप 10 बार बोलो सवेरे उठ के मन ही मन बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं उत्साह से भरा हूं। प्रातःकाल सो के उठे और बोल रहे मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं उत्साह से भरा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं उत्साह से भरा हूं, आप 10 बार बोलिए, देखिए। मेडिकल साइंस कहती है कि आपके मस्तिष्क में न्यूरो पाथवेज बनने लगेंगे, यानी आपके मस्तिष्क में इस तरह की वायरिंग होने लगेगी
जो आपके सोच को, आपके विचार को और आपकी भावना को निर्मित कर देगी। उसी तरह की सोच यानी प्रसन्नता की सोच आपके पूरे शरीर में स्वास्थ्य की तरंगें पैदा होने लगेंगी, आपके पूरे शरीर में उत्साह की तरंग पैदा होने लगेंगी। अगर तुम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और उत्साह की तरंग पैदा करना चाहते हो तो एक उपाय है कि आप प्रातःकाल सोकर उठते ही मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं उत्साह से भरा हूँ, मन ही मन भाव करिए और रात में सोने जाते समय भी इसी तरीके का भाव करिए। ये भाव आपके अवचेतन मन को पकड़ लेते हैं। जब आप सोकर उठते हैं उस समय और जब आप रात में सोने जाते हैं उस समय जिस तरह के भाव दशा में होते हैं वो भाव दशा आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है। क्योंकि प्रातःकाल सोकर उठते ही और रात में सोने जाते समय, ये दोनों समय ऐसे महत्वपूर्ण हैं जब आपका अवचेतन मन और चेतन मन दोनों के मिलने का समय होता है। आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों मिलते हैं इस समय, जब आप सोकर उठ रहे हो और जब आप रात सोने जा रहे हो। उस समय अगर आप इस तरह का भाव रखते हैं जो आप चाहते हैं कि वैसा हो, उस चीज़ को उस समय दोहराएं, कम से कम 5 बार दोहराएं। अगर आप धन पाना चाहते हैं, प्रातःकाल सो के उठते कहें मैं धन को प्रेम करता हूँ, धन का सम्मान करता हूँ और पर्याप्त धन सहजता से मेरे तरफ आकर्षित होता चला आता है। आप 21 दिन कर लो, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से धन का रास्ता आपकी ओर बनने लगेगा, 100% बनने लगा। मैं धन का सम्मान करता हूँ, मैं धन से प्रेम करता हूँ और सहजता से पर्याप्त धन मेरी तरफ आकर्षित होता हुआ चला आता है। अगर आप इस तरह का भाव रखते हैं तो ऐसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। ये अस्तित्व आपको सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, आप सिर्फ बाधा न करें, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लें।